बिस्मिल दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूं जानसारी और आप दिख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स अल्लाह बरकत दे आपके खानों में आपके रिस्क में आपके जायकों में तो आज हम बगैर गन्ने के गन्ने का रस घर पे बनाएंगे और ख़ास बात ये कि किचन में पड़ी हुई चीज़ों से बनाएंगे कोई एक्स्ट्रा चीज लाने की जरूरत नहीं है इतना रिफ्रेशिंग और मजे का होगा कि इन आपको मजा आ जाएगा और ख़ास बात ये कि ये बहुत हेल्दी है किस तरह से है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वीडियो एंड तक देखिएगा इन कुछ बहुत ही स्पेशल आपको जानने को मिलेगा तो यहाँ सबसे पहले बिस्मिल्लाह रमान हमारे पास है गुड़ और गुड़ जो है मैं आपको बताऊं एक नेचुरल स्वीटनर uh, होता है मतलब कि ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू शुगर तो ये हेल्दी होता है अब यहाँ पे हमें चाहिए ये तकरीबन दो पीसीज इस साइज़ के तो उसको हम इस तरह से छुरी से काट लेंगे ताकि हमें रेसिपी में आसानी हो ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है मतलब कि अगर आप इसको खाने में पीने में लें तो पूरा दिन रोजे में आपको जो है वीकनेस फील नहीं होती और अगर आप इस साइज़ के पीसीज अपने घर पर किचन में रख लें तो खाने के बाद इसको लें स्वीटनर के तौर पर तो बहुत ही अच्छा लगता है चलें जी बिस्मिल्ला रामी तो यहाँ पे अगली बड़ी मजे की चीज़ हमारे पास है पुदीना अच्छे से धोकर हमें इसके जस्ट पत्ते चाहिए पुदीने के बारे में आपको हैरानी की बात बताऊं ये आपका रंग साफ़ करता है रंग वाइट करता है क्योंकि ये खून को बहुत ज़्यादा साफ़ करता है ठीक है तो पुदीने के पत्ते हमें चाहिए थोड़े से और फ्लेवरिंग हमें यहाँ पे अदरक की भी करनी है छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेंगे चार से पाँच गिलास के, के लिए इतना काफ़ी होगा उसके बाद इसमें लहर मारा अभी और भी चीज़ें वो आगे जाके ऐड करेंगे तो एक लेंगे ब्लैंडर का जग उसमें ये गुड़ ऐड कर देंगे और पुदीने के पत्ते साथ ही ये अदरक का एक टुकड़ा बहुत ही हेल्दी रेसिपी है यकीन करें इसको एक दफ़ा पीने के बाद अगर आप दोबारा ना बनाएं तो सवाल ही नहीं पैदा होता थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि अच्छे से हमने इसको करना है ब्लैंड और जिस टाइम पर यह ब्लैंड हो रहा होगा उसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करेंगे आप से 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 प्यार होता है, होता है होता है है मोहब्बत होती आपकी तरह तरह अच्छी हम करेंगे इसको उसके बाद खूबसूरत सा सा बड़ा सा बाल लेंगे ढेर सारी इसमें बर्फ लेंगे खूबसूरती के लिए खुशबू के लिए पुदीने के पत्ते लेंगे दो बड़े साइज के, के लेमन इसके अंदर निचोड़ देंगे शानदार फ्लेवरिंग के लिए टेस्ट के लिए और उसके बाद कुछ स्लाइसिस भी लेमन के काट देंगे अब आपने जो हमने ये जूस बनाया था ब्लेंड किया था इसको छानना है आपने इसके अंदर ठीक है ताकि अगर कोई इंप्योरिटी या कुछ तो यहीं पे निकल आए लेकिन हमने अच्छे से ब्लेंड किया था तो ये तैयार है अब आपने इसमें सबसे अहम चीज जो ऐड करनी है सबसे शानदार जिसका फ्लेवर आएगा वो है काला नमक काला नमक हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है और अच्छे से बिस करके ठंडा करके आपने इसको सर्व करना है बहुत ही हेल्दी रेसिपी है आपको प्यास नहीं लगेगी आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी और साथ ही साथ आपको ये आपका कलर भी वाइट करेगी मतलब कि खून को साफ करती है वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जान सर के दीजिए इसी तरह की रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए इफ्तार स्पेशल रेसिपी के लिए यम एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए टेन मिनट्स रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए दोहमिया रखिए الله يغفر الله أفيز